अगर आप एक यूट्यूबर हैं या शौकिया वीडियो बनाते हैं या फिर प्रोफेशनली ये काम करते हैं तो वीडियो एडिटिंग से आपका आय रोज वास्ता पड़ता होगा। वीडियो एडिटिंग के लिए दस्तयाब सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो काफी महंगे सॉफ्टवेयर हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं। अगर आप बिगनर हैं और अभी हाल ही में आपने यूट्यूब पर काम शुरू किया है तो आप यकीनन एक ऐसे वीडियो एडिटर की तलाश में होंगे जो ना सिर्फ मुफ्त हो बल्कि वो अच्छे से प्रोफेशनल अंदाज में काम भी करे। तो आज की वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपके साथ तीन ऐसे वीडियो एडिटर शेयर करूंगा जो कि ना सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट करने में आपकी मदद करते हैं बल्कि वो मुफ्त भी हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो आप लिनक्स हो मैक हो विंडो हो पर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर की लिस्ट में पहला नाम मेरे पसंदीदा वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर केडीएन लाइव का है। मैं उसकी वेबसाइट kdnlive.org पर मौजूद हूं और यहां पर मैं अगर इसके फीचर आपको दिखा सकूं तो आप हैरान होंगे कि एक मुफ्त और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर क्या ऐसे काम भी कर सकता है। आप केडीएन लाइव के जरिए बड़ी आसानी से अपने वीलॉग अपनी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस चाहे भले वो स्क्रीन कास्ट हो या फिर कैमरे से आपने वीडियो रिकॉर्ड की उनको एडिट कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसका आगाज करीब 2003 में हुआ था और ये बेसिकली लिनक्स के लिए था लेकिन इस वक्त ये तमाम प्लेटफॉर्म विंडो मैक लिनक्स सब के लिए दस्तयाब है। मल्टी ट्रैक वीडियो एडिटिंग की ये सहूलत फ्राहम करता है आपको और आप इसके अंदर कोई सा भी ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो इंटरफेस है उसको कन्फिगर किया जा सकता है, टाइटल ऐड किए जा सकते हैं, इसके जरिए कलर करेक्शन की जा सकती है और भी इसके अंदर बहुत से फीचर हैं जो कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा और प्रोफेशनल किस्म का वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड के पेज पे चले जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिनक्स के मुख्तलिफ वर्जन के लिए भी दस्तयाब है और विंडो के लिए इसका बीटा वर्जन जो है वो दस्तयाब है। मैक ओएक्स पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये लिनक्स का सॉफ्टवेयर है लेकिन इसको विंडो और मैक दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। केडीएन लाइव का इंटरफेस इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मेन्यू बार आप देख सकते हैं। इसको पूरी तरह से कन्फिगर किया जा सकता है केडीएन लाइव के लाइव को, जितने भी आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं इंपोर्ट यहाँ पर और फिर इन्हें मुख्तलिफ ये ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स पर ऐड करके उन्हें एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर से आप मजीद ट्रैक जो हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं। इफेक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मौजूद हैं जो कि आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांजिशंस भी आपको काफ़ी नज़र आ रही होंगी। ये देखिए एक वीडियो मैंने इंपोर्ट की है और इसको अगर मैं यहाँ पर छोड़ूं तो ये आप देखिए ये इसको मैं साथ साथ यहाँ से देख सकता हूँ। इसी के जरिए कंप्यूटर की अभी तक की तमाम वीडियोस जो हैं वो मैं एडिट कर रहा हूँ लिनक्स पर रहते हुए। यहाँ से आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं और अगर कोई हिस्सा डिलीट करना हो तो उसे डिलीट किया जा सकता है और इसके ऊपर फिल्टर जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। एट द एंड ऑफ द डे आप इसको वीडियो को रेंडर कर सकते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट में, 4K तक को ये सपोर्ट करता है। मुफ्त वीडियो एडिटर की लिस्ट में दूसरा नंबर ओपन शॉट वीडियो एडिटर का है। इसे आप एक एडवांस किस्म का विंडो मूवी मेकर कह सकते हैं। विंडो मूवी मेकर की तरह इसकी लुक एंड फील है लेकिन उससे कहीं ज्यादा एडवांस फीचर इसमें दस्तयाब है। अगरचे ये केडीएन लाइव जितना एडवांस नहीं है लेकिन फिर भी आपको बुनियादी किस्म की वीडियो एडिटिंग के लिए ये बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है। इसके फीचर्स पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडो मैक लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। ट्रिम कर सकते हैं वीडियो को आप इसके जरिए, एनिमेशन है की फ्रेम्स को ये सपोर्ट करता है, अनलिमिटेड ट्रैक्स आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो इफेक्ट्स हैं, ऑडियो वेव फॉर्म, टाइटल एडिटर और बहुत से इसके जो है वो फीचर यहाँ पर दस्तयाब है। डाउनलोड करने के लिए आप इसके डाउनलोड के सफे पर जाए तो यहाँ पर ये लिनक्स के लिए ऐप इमेज की सूरत में और पीपीए की सूरत में दस्तयाब है जबकि विंडो के लिए एक्सी फाइल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएक्स के लिए भी इसका डाउनलोडिंग फाइल जो है वो यहां पर दस्तयाब है। ये ओपन शॉट वीडियो एडिटर जो है उसका इंटरफेस है। इस वक्त देखिए यहां पर से आप तमाम प्रोजेक्ट्स की जो फाइल है यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर ये मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं जिन्हें आप मजीद ट्रैक भी यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ट्रैक को लॉक भी किया जा सकता है। ये ट्रिम और जो हैं बेसिक किस्म के जो एडिटिंग के टूल हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। ट्रांजिशंस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन इसमें अवेलेबल हैं और बहुत से इफ़ेक्ट्स भी दस्तयाब हैं। प्रेफरेंस में जाके आप प्रोफाइल वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इसको कर दूँ 1080p, ये 4K तक वीडियो को सपोर्ट करता है। मैं इसका प्रोफाइल जो है वो 1080p कर देता हूँ और क्लोज कर दें अगर
रिस्टार्ट करने पर अब जब ये खुलेगा तो ये 1080p वीडियो को सपोर्ट करेगा और उसी में ये वीडियो को एक्सपोर्ट करेगा। आप अपनी वीडियो पर तमाम काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुफ्त वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की इस फहरिस्त का तीसरा नाम शॉर्टकट का है, जो कि बहुत जबरदस्त फीचर रिच किस्म का क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स वीडियो एडिटर है। ये 4K तक वीडियो को सपोर्ट करता है। ऑडियो के बहुत सारे फीचर इसके अंदर दस्तयाब हैं। वीडियो इफेक्ट्स बहुत से यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको इसके कलर आप कर सकते हैं, कुरेक्शन कर सकते हैं और भी बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर, इनकी तफसील आप shortcut.org/feature पर आप देख सकते हैं। एडिटिंग के बहुत से फीचर दस्तयाब हैं और ये भी बाकी दोनों वीडियो एडिटर की तरह क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स है। डाउनलोड के सफ़े पर इसको आप विंडो कर, ये इसका इंस्टॉलर दस्तयाब है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडो के लिए पोर्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। मैक ओएस के लिए और लिनक्स के लिए ये ऐप इमेज की सूरत में दस्तयाब है और लिनक्स पर आप इसे स्नैप की सूरत में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। शॉर्टकट वीडियो एडिटर को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जो कि केडियन लाइव और ओपन शॉट की नस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप व्यू में जाएं और यहाँ से ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिनको आप व्यू कर लें, जैसे मैं टाइम लाइन को व्यू करता हूँ तो ये देखिए कि यहाँ पर टाइम लाइन मुझे शो हो गई है, जहाँ से मैं ऐड वीडियो और ऐड ऑडियो ट्रैक जो है वो कर सकता हूँ। इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की फाइल जो है वो इसके अंदर ओपन की जा सकती हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया है और अब मैं इसे यहाँ पर टाइम लाइन पर ड्रैग करके ऐड कर सकता हूँ और इसकी जो एडिटिंग है वो मैं कर सकता हूँ। ये केडियन लाइव की नस्बत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं इसे फिलहाल यूज़ नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, आप इसे इस्तेमाल करें, इसलिए मुख्तलिफ फीचर्स पर नज़र दौड़ाएँ तो ये आपकी वीडियो एडिटिंग में बहुत मददगार साबित होगा। अगर व्यू मेन्यू में जाके मैं फ़िल्टर को ऑन कर लूँ तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के फ़िल्टर जो कि इसके ऊपर ऐड किए जा सकते हैं, ऑडियो और वीडियो फ़िल्टर। वीडियो के लिए अगर फीचर्स की लिस्ट पर नज़र दौड़ाई जाए तो आप देखें कि ये मुख्तलिफ वीडियो के फीचर वीडियो के लिए फ़िल्टर हैं जो कि अवेलेबल हैं। जैसे टेक्स्ट का फ़िल्टर है, इसको मैं अगर इसके ऊपर ऐड करूँ तो यहाँ देखें कि मैं इसके ज़रिए इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ और फिर इसे आसानी के साथ मैं इसे मूव करके कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। साइजेस का कम किया जा सकता है यहाँ से। तो इस तरीके से आप और भी मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर जो हैं वो इस पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। आपने जहाँ से वीडियो को ट्रिम करना हो वहाँ से आप आसानी से एस की शॉर्टकट की जो है वो प्रेस करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो हिस्सों में। ये देखिए ये दो हिस्सों में मैंने स्प्लिट कर लिया और अब अगर चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये थे वो तीन वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके जितना एडवांस तो नहीं है, लेकिन अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो को चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों सॉफ्टवेयर को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, भले वो आप यूट्यूब के लिए एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो या किसी और तरह की वीडियोज व्लॉग आप बना रहे हो, इनको आजमाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके मुतालिक जरूर बताइए। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए और हाँ, देखते रहिए इस चैनल को क्योंकि जल्द ही मैं इसी चैनल पर इन तीनों सॉफ्टवेयर पर अलग-अलग मुकम्मल कम्प्लीट ट्यूटोरियल भी बना के आपके सामने पेश करूँगा।